हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, हमारे पास है बलेनो ऑटोमेटिक गाड़ी जो सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको एक्सेलेरेटर मिलता है और ब्रेक मिलती है, इसमें आपको क्लच मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स, ये बलेनो डेल्टा सीवीटी है। तो इसमें आपको पार्किंग मोड मिलता है, रिवर्स मोड है, न्यूट्रल, ड्राइविंग मोड और एल मोड होता है लो गियर, जो जैसे कि आपको ज़्यादा पावर चाहिए उसके काम आते, जैसे कि हम गाड़ी को टोइंग करते हैं तो उसके काम आती है। तो गाइस जब आप डी गियर पे डालते हैं गाड़ी को तो ये ऑटोमेटिक गियर चेंज करता है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होते हैं इसमें। और जो एल मोड पे जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये गियर शिफ्ट नहीं करता, बस मतलब स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड इंजन लेता नहीं है, इंजन डिस्ट्रेस पड़ती है। अगर ये आप ज़्यादा एक्सेलेरेटर दबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको मतलब एल मोड पे ज़्यादा पावर जनरेट होती है, वो सिर्फ पावर जनरेट करने के काम आता है। आप उसे वैसे नहीं चला सकते जैसे डेली ड्राइविंग के लिए, जैसे नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं आप तो डी पे सही रहता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसको कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है, उसके बाद जब आपको गियर शिफ्ट करना है तो हल्की सी ब्रेक प्रेस करनी है और अपने गियर लीवर को डी पे लाना है। डी पे ला लीजिए, आप जैसे कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि डी शो कर रहा है और आपने अब हल्की हल्की ब्रेक छोड़नी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं गाड़ी मूव कर रही है। अब आप जैसे देखते हैं हल्का हल्का एक्सेलेरेटर देंगे तो आप सुन सकते हैं कि इंजन की नॉइज भी नहीं है, काफी कम नॉइज है इंजन की। अभी ये डी पे चल रही है, इस पर थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा एल मोड पे क्या पड़ता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं जैसे ये स्पोर्ट्स मोड पे डाला है तो मेरे को थोड़ा सा स्पोर्टी फील आएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब मैं एल मोड पे डाल रहा हूँ गाड़ी को, तो वैसे ही आप गियर शिफ्ट करना, आपने पहले हल्का सा ब्रेक दबाना है, वो जो ये बटन लगा हुआ है इसको प्रेस करके आपने इसको एल पे लाना है। अब आप इंजन की नॉइज सुनना, जैसा कि मैं फील कर सकता हूँ इंजन मतलब काफी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, आप भी सुन सकते हैं जैसे इंजन की आवाज आ रही है। जैसे ही एक्सेलेटर दे रहा हूँ इंजन कितनी आवाज कर रहा है। सो ये तभी काम आता है कि जब आपको मतलब ज्यादा पावर की जरूरत हो, जैसे टोइंग वगैरह में, तो उसी के काम आता है। तो गाइस अब आपको मैं हिमाचल की गलियों की सैर कराता हूँ, जो चलिए। We'll be right back.
थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।